नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि कुर्बानी की है, कुर्बानी का गोश्त बांट रहा है, ख्वाब देखा, बहुत ही अच्छी अलामत है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह इसको सखावत अता फरमाएंगे और सखावत के बदले में अल्लाह इसको इज्जत इतनी अता फरमाएंगे कि इसके इलाके में रोल मॉडल बन जाएगा इज्जत के अतबार से और नमूना मिसाल बन जाएगा लोगों के लिए, यानी प्यार मोहब्बत का और शराफत का पैकर होगा और लोग दिल से चाहेंगे, इसका इकराम करेंगे और इसको ये सखावत ऐसी अता फरमाएंगे अल्लाह के शायद कोई और इसके इलाके में इसका मुकाबला ना कर सके। अल्लाह ऐसी सखावत हर मुसलमान को अता फरमाए और सखावत की बरकत हर मुसलमानों के घरों में अल्लाह अता फरमाए। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि ढोल बजाया है, ढोल बजाना ख्वाब में क्योंकि अच्छी अलामत नहीं होती, यानी नेकी की बात नहीं बुराई की बात है, यानी गुनाहों में डूबने की बात है, लतपत होने की बात है, ऐसे बंदे को चाहिए वो तौबा करे, जैसे ख्वाब से बेदार हो तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझसे गलतियाँ हुई कोताहियाँ हुई, मैं तौबा करता हूँ, तो कोई गुनाह नहीं करूँगा, यकीनन किसी गुनाहों में डूबा हुआ है या डूबने का ख़तरा है, तब ये ढोल बजाए ख्वाब में। अल्लाह हर एक को 100% गुनाहों से महफूज फरमाए और गुनाहों की नहूसत गुनाहों के वबाल से भी महफूज फरमाए। अल्लाह हम सब को तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल की तौफीक अता